हेलो सत श्री अकाल। हुण इह सेम वीडियो जिहड़ा सी इंग्लिश च सीगा उहनूं असीं हुण पंजाबी च देखण लगे हां कि न्यूटन दा जिहड़ा दूसरा नियम सीगा उहदे बारे असीं स्टडी कीता सी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, इक फार्मूला असीं लभिया सीगा। सो वी हैड दिस फार्मूला, इह फार्मूला आपां दी डेफिनेशन देखी सी कि जदों टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी वस्तु दे विच हुंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा, बाहरों किन्ना फोर्स लाया हैगा तो जिहड़ा मोमेंटम च परिवर्तन हुंदा हैगा उहदी दिशा फोर्स वाली दिशा ही हुंदी हैगी आ। तो असी फोर्स की जिहड़ी फार्मूला सी एफ बराबर एम ए असी लभिया सीगा, तो वैक्टर क्वांटिटी सी फोर्स ते एक्सेलरेशन। सो फिर आपां ये वाले फार्मूले तो द्वारा आ जाने। सो न्यूटन के सैकेंड ला का जो मेन मकसद होया या फायदा होया वही होया कि आप फोर्स में नंबर में नाप सके, असी इन मेयर कर सकते, असी इन कैलकुलेट कर सकते, जो सानू मास पता तो एक्सेलरेशन पता तो असी एफ की वैल्यू लभ सकते हैं। इतने असी ये गल दसी सी कि एम जो हों कॉन्सटेंट रखना है। सो एफ बराबर एम ए फार्मूला अपने को आ गया, एम पुंज हों, ए परवेग हों, एफ बल हों। सो बल बराबर पुंज गुणा परवेग। सो इनू असी एबसल्यूट यूनिट के इकाइया है एबसल्यूट है। सो ये असी किलोग्राम मीटर पर सैकेंड, मास में किलोग्राम च नापदे, एक्सलरेशन मीटर पर सैकेंड स्केयर नापदे, इस करके किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर यदा बन गया। इनू एस आई के असी लिखते हैं, पर इनू असी इदा ना लिख के यदा सारे तीन जणियां दा इकट्ठिया दा ना न्यूटन रखता हुआ वा। न्यूटन के एन छोटे छोटा पैना, छोटी ए बी सी वाला एन पैना वा, बड़ा नहीं पैना जो पूरे स्पैलिंग लिखने हैं, जो आप स्पैलिंग पूरे लिख रहे हैं, इस करके एन अलग तौर पर नीला करता मैं ताकि थानू याद रहे कि छोटा पैना जो पूरे स्पैलिंग लिखने न्यूटन लिखन लगे, यदि थान पर न्यूटन लिखना वा, किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर नहीं लिखना, असी न्यूटन लिखना वा तो एन छोटा पाना। पर जो असी कल्ला ही एन पाता इदा वड्डा एन पाता तां वी उहदा मतलब इही आ कि आपां न्यूटन जां आ वाले किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर की गल करदे पए आ। सो टाइम जिहड़ा हैगा उह सी जी एस जिहड़ा हुंदा सेंटीमीटर ग्राम सकिंट वाला सिस्टम आ, उह जिहनूं डाइन कहिंदे आ न्यूटन की थां ते, ते एक न्यूटन दे विच एक लख डाइना हुंदियां हैगियां आ। सो एक लख डाइन जिहड़े आ उह एक न्यूटन दे बराबर हुंदे हैगे आ। तो हुण एक न्यूटन फोर्स कहिंदे किहनूं आ, एक न्यूटन फोर्स कहिंदे हैगे आ एक किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर नूं एक न्यूटन कहिंदे आ। पर एक न्यूटन उदा उहदा असली जे समझना होवे दिमाग विच बिठाणा होवे तो एक न्यूटन ओह वाला फोर्स हुंदा वा जिहड़ा कि एक्सलरेशन परवेग पैदा करता, किन्ना परवेग पैदा करता, एक मीटर पर सैकेंड स्केयर परवेग पैदा करता, ये एक बॉडी जिहदा मास एक किलो हुंदा। सो एक किलो बॉडी दे विच, एक किलो बॉडी दे विच एक मीटर पर सैकेंड स्केयर परवेग पैदा होवे तो फिर जिहड़ा फोर्स हुंदा वा वह एक न्यूटन हुंदा, इहदी डेफिनेशन बन गई। असी जिहदियां डायमेंशनस बिमां लिखणियां होण तां एफ बराबर एम एल टी माइनस दो हुंदा हैगा। इतने हम ग्रैविटेशनल एबसल्यूट यूनिट के नाल ग्रैविटेशनल यूनिट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है, ये आम वरतों में आने वाले यूनिट आ। आम करके आप कही जी बंदे ने 10 न्यूटन फोर्स लाया, 50 न्यूटन फोर्स लाया, 200 न्यूटन फोर्स लाया, तो आपको समझ नहीं लगना भी की कही जाते हैं किन्ने न्यूटन लाता। तो आप एक इतने उदाहरण लीए भी मान लो तुम 10 किलो की कोई बोरी, कोई सब्जियां का थैला, कोई चीज़ तुम 10 किलोग्राम जी अपने हाथ से फड़ के पैदल तुरे हुए हैं बाजार गए से, तो पैदल ही आप तुर के तो 2-3 किलोमीटर का रस्ता सीगा असी घर आए, 10 किलो से कभी इस बांह च फड़िया, कभी उस बांह च, कभी उस हाथ च, तो असी थक गए, असी क्या हाय बड़ा भारा सीगा, किन्ना ही भार चुकाता सानू, है ना। सो भार लगता आपां नूं, ते वो जिहड़ा भार क्यों लगता वा, भार लगन का कारण है कि अर्थ चीज़ां नूं अपने वल खिंचदी आ, अर्थ जिहड़ी हैगी आ वो धरती जिहड़ी आ हर एक चीज़ नूं अपने केंद्र वल खिंचदी आ, उहनूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी कहिंदे आ। परवेग हुंदा वा 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर दे नाल, जां गुरुताकर्षणी बल जिहड़ा हैगा धरती लांदी हैगी आ वह हर एक चीज़ नूं अपने वल केंद्र वल खिंचदी आ। असी उहदे उह खिच नूं बराबर करन लई इह उल्ट पासे नूं जोर लाने, उपर वल नूं जोर लाने, साडा हथ जदों असी भार चक्किया हुंदा ते असी उल्ट पासे उपर वल नूं इक बल लाने आ। तो मान लो असी यही वाले बल जिहड़ा हैगा इहनूं असी किलोग्राम वेट कहिंदे आ, फिर वो आपां अगे होर गल करदे आ। मान लो कि एक मेज हैगा, मेज नूं असी इदां धक्का मारिया, जदों असी मेज नूं धक्का मारिया क्योंकि मैनूं 10 किलो दा अंदाजा हो गया, हुण वी मैं सब्जी भाजी लै के आया, कोई चीज़ लै के आया 10 किलो दी, तो चुक के लियाया, मैनूं हुण याद आ कि मैं इन्ना जोर लाया सी, तां 10 किलो मेरी बांह ने इन्ना क जोर लाया सीगा, अपने शरीर नूं आइडिया हो गया। हुण उह वाले आइडिया दे हिसाब नाल मैं मेज नूं वी उन्ने क जोर की धक्का मारिया जिन्ने क जोर की मैं थैला चक्किया होया सी।
तो मैं कहना कि मैं मेज नू 10 किलो फोर्स लाया, 10 किलोग्राम बल लाया हैगा। और ये प्रैक्टिकल गल होगी, मैं इतने न्यूटन की कोई गल नहीं करता पाया, मैं सिर्फ ये कह रहा कि 10 किलो सब्जी सी, 10 किलोग्राम सब्जी नू मैं चुक के लिया, तो मैं आ फोर्स लाया, धरती ने भी फोर्स लाना सी, दोनों बराबर हो गए, इसलिए थैला मेरे हाथ च रहा, वो डिग्या नहीं। जिदा हम टग ऑफ वार रस्सी खिंचते हैं, रस्सी खिंचन वाली गेम होंगी ना, भी एक जाना एक इधर भी खिंचती है, एक टीम उधर खिंचती है, तो विचकार वो एक कपड़ा जहा बन देंगे भी आ लाइन तो इधर जाना या उधर जाना कौन खिंच के रह जूगा, तो वो जिनी देर तो दोनों टीम बराबर बल लाई जाएँ उन्नी देर कुछ भी नहीं होंगे है। फिर एक बेला आता कि एक टीम थक जाती है, तो एक टीम ज्यादा जोर ला जाती है, तो फिर वो रस्सी जी है एक पासे खिंची जाती है, तो फिर वो टीम जित जाती है, टग ऑफ वार गेम कहते हैं, टग ऑफ वार। सो वो वाली जी रस्सी खिंचन वाली गेम हैगी उदा की स्थिति बनती है। इतने मैं भी ज्यादा जोर नहीं लाया, धरती ने भी नहीं, बस असं उन्ना ही लाया कि दोनों बराबर हो जाता है, चीज मेरे हाथ च फड़ी रहे। सो ये आम प्रैक्टिकल गल हैगी, उत्थे अपन न्यूटन की गल नहीं की। सो इदी असं उन्ना ही जोर एक मेज से लाया, तो असं उत्थे मेज से भी न्यूटन की गल नहीं की, असं 10 किलोग्राम फोर्स लाया, मैं मेज के उत्ते जोर लाया, बल लाया, तो मैं 10 किलोग्राम फोर्स लाया। हुण ये प्रैक्टिकल गल होगी, आम वरतों वाली गल होगी। फिर च न्यूटन कितों आया, सो न्यूटन देखो कितों आया, जिहड़ा एफ हुंदा वो एम गुणा ए हुंदा हैगा। धरती ने 10 किलो थले नू खिंचिया, धरती हमेशा अर्थ जिहड़ी आ 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर दे एक्सलरेशन पैदा करती आ, कॉन्सटेंट आपां मन्नदे आ इहनू, जदकि इह अलग अलग मुल्कां विच जां अलग अलग थावां ते थोड़ा जिहा फर्क है इहदीआं वैल्यूज दे विच, पर असीं अपने काम लई 9.8 मान लैंदे आ। सो 10 किलो एक्सलरेशन की वैल्यू 9.8 ना गुणा किया तो 98 न्यूटन। असल में जिहड़ा आह वाला धरती ने आह 10 किलोग्राम वेट उत्ते लाया सीगा, ये 98 न्यूटन सीगा, तो जिहड़ा मैं लाया सी वह भी 98 न्यूटन सी। पर जे मैं 98 न्यूटन बोलता तो फिर थानू शायद समझ नहीं लगना सी भी किन्ना भार आ। मैं जी मैं बाजारों ना 98 न्यूटन भार चुक के लिया वा, तो जे मैं इदा कहां वो गल समझ नहीं लगनी आपां छेती, तो आपां हिसाब जिहा लाण बैठना भी 98 न्यूटन की बोली जांदा, कोई गल नहीं समझ लगी। तो 98 न्यूटन नूं असीं 10 किलोग्राम वेट ही रखिया, भी 10 किलोग्राम वेट लियांदा, उहनूं 9.8 नाल गुणा नहीं कीता, उस तों बगैर ही दसदा, उदां सानूं छेती समझ लग गया भी 10 किलो सब्जी लियांदी आ। 98 न्यूटन कहिंदे तां समझ नहीं सी लगणा। सो इहदा मतलब जे असीं मेज नूं धक्का मारिया, असीं कि मेज नूं 98 न्यूटन धक्का मारिया, तो 98 न्यूटन धक्का मारिया फिर समझ नहीं लगना, फिर असीं उहनूं कीता 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर नाल तकसीम डिवाइड करता भाग करता, तो वह जो जवाब है 10 किलोग्राम आ गया, क्योंकि बल हैगा धक्का मारिया, बल है वर्टिकल नहीं है, धरती की खिच करके नहीं है, भार नहीं है, इस करके जो फोर्स आ, इस करके ये मगर एफ लिख दिता किलो, 10 किलोग्राम फोर्स, क्योंकि मास नहीं ना है फोर्स लगा, इस करके नाल एफ लिखता। सो 10 किलोग्राम फोर्स लाया, वो कितों आया 9.8 नाल डिवाइड करके आया न्यूटन वाले, तो जे तुम किलोग्राम वाले 9.8 नाल गुणा कर दें तो न्यूटन आ जाता। सो इस करके यह जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे जी छोटा जी हुंदा इक, जिहदी वैल्यू 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर हुंदी आ। सो यह जिहड़ा प्रैक्टिकल यूनिट आ, इहनूं इस करके एबसल्यूट यूनिट ते प्रैक्टिकल यूनिट, ग्रैविटेशनल यूनिट जिहड़ा हैगा वह दो तरह के यूनिट आ। एबसल्यूट यूनिट विच तां असली आ, असल विच जो हैगा रियलिटी विच यू हैव अ थॉट। सो इन्ने जिहड़े हैगे अपने कोल न्यूटन जिहड़े हैगे आ उह बन जांदे हैगे आ। सो मेरा ख्याल आ कि इह गल तुहानूं समझ लग गई होगी। फिर एक इह हैगा कि जे मास जिहड़ा हैगा उह उहदी वैल्यू जे ज़्यादा हो जाए तां एक्सलरेशन जिहड़ा हैगा उह घट जांदा हैगा। सो एम क्योंकि इहदे बटे च आजूगा आह वाले फार्मूले तों एफ बराबर एम ए, सो ए बराबर एफ बटा एम, सो एम जिहड़ा हैगा उह जिहड़ा हैगा ज़्यादा होगा तां ए घट जाऊगा। सो ये इंपोर्टेंट गल हैगी आ, सो आपने गल जी हैगी ध्यान देना है। सो एम ज़्यादा होगा तो ए जड़ा है घट जाऊगा, एम घट जाऊगा तो ए जड़ा है वध जाऊगा। अर्थ सानू खिंचदी, असी अर्थ नू खिंचदे आ, न्यूटन के तीसरे नियम च आपां गल करांगे। सो पर असी अर्थ ते डिगदे आ, अर्थ तो साढ़े ते नहीं डिगदी, जां कोई भी चीज़ अर्थ वाले डिगदी आ, अर्थ क्यों नहीं साढ़े ते डिगदी, जद कि असी फोर्स तो सेम ही लैंदे आ, फोर्स तो सेम ही आ। सो अर्थ ने भी मैनू उन्नी जोर की खिंचया, मैं भी उन्नी जोर की, पर कौन किधर वाल डिगया, असी अर्थ वाले पासे डिगे। उहदा कारण की है कि साडा मास घट हुंदा, जां चीज़ां दा मास घट आ, इस करके एक्सलेशन की वैल्यू ज़्यादा आती आ। पर जे असी इत्थे एम की वैल्यू अर्थ का मास भर दीए, फोर्स उन्ना ही रखीए, तो फिर ए की वैल्यू बहुत घट आती हैगी आ। सो इतों ये गल भी आप देख सकते हैं कि जी अर्थ की खिच आ, तो वो करके जीज़ा है अर्थ वाल डिगदियाँ, ना कि असी जोड़े है।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੋਂ ਵਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ